यो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं आपको देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.20 के लिए बेस्ट सर्वाइवल सीड। एंड आज की शायरी है, तेरे लिए कुछ लिखा है सुन लेना, दिल के कोने में मुझे रख देना। तू बोलेगी तो हर वो चीज़ पा लेंगे, तू बोलेगी तो हर वो चीज़ छोड़ देंगे। तू एक बार हाथों कर दे मेरी जान, तेरे लिए अपनी जान भी दे देंगे। कमेंट में बताना शायरी कैसी लगी। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप शुरू को एंटर करोगे, आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे। एंड आप स्पॉन हो जाओगे एक विलेज के अंदर। गाइज आपको इस विलेज के अंदर मिल जाएंगे 4 ब्लैकस्मिथ। एंड विलेज आपके जंगल बायोम के पास में एंड विलेज प्लेन बायोम के अंदर है। एंड विलेज के अंदर आपको मिल जाएगा एक रुइंड पोर्टल जो कनेक्टेड है डायरेक्ट फोर्ट्रेस एंड बैशन से। एंड इस विलेज की खास बात है कि यहाँ पे एक पता नहीं नेचुरली आयरन स्पॉन है जो स्क्वायर शेप के अंदर है। उसके बाद आपको विलेज के पास में इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है एंड यहाँ पे एक डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप सीधा पुट जाओगे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, जहाँ से आप इजीली एंटर ड्रैगन को डिफीट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है एंड यहाँ पे एक डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप सीधा पुट जाओगे स्पाइडर स्पॉनर के पास, जिसके हेल्प से अपने वेव फार्म भी बना सकते हो। एंड उसी के पास में आपको मिल जाएंगी 2 चेस्ट। दोनों चेस्ट के अंदर ओपी लूट है, सच में ओपी वाली लूट है, जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर से विलेज के पास में इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है एंड यहाँ पे डाउन कर देना है। जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे, आप सीधा पहुंच जाओगे यहाँ पे केव के अंदर, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे पूरे 7 डायमंड्स, जिनको आप डेली कलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पे 2 डायमंड्स मिल जाएंगे। एंड थोड़ा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे 5 डायमंड्स ओर्स, जिनको आप माइन कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है जो हमारे विलेज के पास में ही है। एंड ओशन के अंदर आने के बाद आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे डाउन कर देना है। तो नीचे जाने के बाद आपको मिल जाएगी शिप रैक, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उसके अंदर आपको मिल जाएगी चेस्ट, जिसके अंदर बढ़िया लूट है, जिसको आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद जब आपको इन कोऑर्डिनेट्स पे आ जाना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड विलेज एंड सेकंड शिप रैक। और ये कोऑर्डिनेट्स पे आपको ओशन के अंदर मिल जाएगी एक शिप रैक, जिसको आप फाइंड कर सकते हो, जिसके अंदर एक ट्रेजर मैप है, जिससे आप एक ट्रेजर भी फाइंड कर सकते हो। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा सेकंड विलेज, जो मैंने आपको बताया था अभी के अभी। तो जैसे आप विलेज के अंदर एंटर करोगे, आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा सा विलेज जो काफी बेस्ट लोकेशन पे ओशन के पास में एंड सराउंडेड में इसके सारे मिल जाएंगे आपको जंगल्स, तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आपको फर्स्ट विलेज के अंदर आ जाना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा रुइंड पोर्टल, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ से गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसी के पास में आपको मिल जाएगा एक चेस्ट, जिसके अंदर ओपी लूट है जो सारी नेदर के अंदर काम आएगी, सभी को कलेक्ट कर लेना। एंड जैसे आप नेदर के अंदर एंटर करोगे, तो आप यहाँ पे स्पॉन हो जाओगे। एंड उसके बाद गाइस आपको इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। जैसे मैं जा रहा हूँ, बस इस चीज़ को याद रखना। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा फोर्ट्रेस, जहाँ से आप इसलिए अपने ब्लेज लॉर्ड कलेक्ट कर सकते हो। एंड फोर्ट्रेस के पास से आपको इन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना है। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैशन, जहाँ से आप अपने गोल्ड कलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइस आपको इन कोऑर्डिनेट्स में मिल जाएगा ओशन मॉन्यूमेंट, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा पिलेज आउटपोस्ट, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इन कोऑर्डिनेट्स पे आपको मिल जाएगा वुडलैंड मेंशन, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो।